ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन में हम पढ़ के आए थे ये दीज थिंग्स, क्लाइमेट, सॉयल एंड टोपोग्राफी ऑफ ए थिंग आर द मेजर फैक्टर्स. जिम्नोस्पर्म्स, हाँ अभी करता हूँ बेटा, मैं वहाँ तक भी पहुँचता हूँ, मिनट करो. सब अल्पाइन पर बता दो एक बार. अभिषेक जो सब अल्पाइन है वो आज हम करेंगे, ठीक है ना. आज वो जो सब अल्पाइन है, अल्पाइन रीजन है, हिमालयन वेट माउंटेन फॉरेस्ट है, ये सारा कुछ आज हमने करना है. सो प्लीज़ बी पेशेंट विद मी, हम इसी को आज करेंगे सारा. तो हमने कहा था कि जो एनुअल रेनफॉल है दैट हैज़ ए ग्रेट बेयरिंग ऑन द टाइप ऑफ वेजिटेशन. अगर हमने ये चार्ट एक टेबल बनाया था कि डिपेंडिंग अपॉन दिस चार्ट वी विल टेल कि कौन सा उस टाइप में नेचुरल वेजिटेशन होएगी. तो मोस्टली 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर रेनफॉल कहीं पे होती है तो नॉर्मली द वेजिटेशन प्रेजेंट ओवर देयर इज एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट. उसी तरह अगर हमारे पास 100 से 200 होती है तो वी बेसिकली हैज मॉनसून रेन डेसिडियस फॉरेस्ट. मॉनसून बेसिकली इज रेन डिपेंडेंट फॉरेस्ट, ठीक है. तो इसमें डेसिडियस का क्या मतलब था, बेसिकली जो पतझड़ के फॉरेस्ट होते हैं, बेसिकली दे आर नॉन एवर ग्रीन फॉरेस्ट एंड दे हैव ए डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन. ड्राई सीजन यहाँ पे होगा, ठीक है ना. तो चाहे वो कम से कम कितने वीक्स का होना चाहिए, 6 to 8 weeks का. तो मतलब 2 months के करीब करीब जो होता है वो ड्राई वीक्स होता है, ठीक है जी. और दूसरी बात हमने तीसरी बात कहा था कि भाई 50 to 100 centimeters जहाँ पे होती है वहाँ पे होता है ड्राई डेसीडियस या ट्रॉपिकल सवाना टाइप ऑफ फॉरेस्टेशन या वेजिटेशन. ये हम कल करके आते कि लास्ट क्लास में किया था हमने ट्रॉपिकल. उसके बाद हमने कहा ड्राई थॉर्नी स्क्रब या सेमी एरिड टाइप ऑफ वेजिटेशन विल बी प्रेजेंट इन अगर रेनफॉल इतनी है. अगर रेनफॉल उससे भी कम है तो द टाइप ऑफ वेजिटेशन विल देयर बी बायोम विल बी डेजर्ट और एरिड. ओके, तो ये लास्ट टाइम हम करके आए थे सारे का सारा. नाउ वी विल बी डूइंग नेक्स्ट टाइप जो लोड हो रही है. ये हम सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला करके आए थे ना लास्ट टाइम, मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया था आपको. किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ ले, एक बार रिवाइज कर लो इसको. तो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी थी कि टेम्परेचर जो है मेजर फैक्टर है हिमालयाज में, ठीक है ना, एंड अदर हिली एरियाज में. जो माउंटेन टाइप ऑफ हमारे पास आज हम फॉरेस्ट पढ़ेंगे, माउंटेप जो माउंटेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट पढ़ेंगे, वेजिटेशन पढ़ेंगे, तो वो बेसिकली हमारे पास उसमें टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है जी. उसी तरह हम पढ़ेंगे कि भाई एलिवेशन कहाँ पे, जिस पे एलिवेशन 900 मीटर्स के ऊपर है वहाँ पे ज़्यादा क्या मैटर करेगा, टेम्परेचर ऑफ दैट एरिया, ठीक है. तो हम जैसे हिली एरियाज पढ़ते हैं कि भाई उनकी जो एलिवेशन है वो 1000 है, वो 500 है, 600 है, 800 है. आपको खुद पता होगा अगर हम दिल्ली करेंगे, दिल्ली की एलिवेशन इज़ मीन एलिवेशन. अगर हम दो जगह की कंपेयर करें, अपने जलंधर की कंपेयर करें और अब चंडीगढ़ की कंपेयर करें, तो आई थिंक चंडीगढ़ की है 350, है ना, 350 अप्रॉक्सीमेटली मीटर इज अबव द सी लेवल. और अगर हम जलंधर की बात करें तो 250 से नीचे की तरफ है ना. तो अगर किसकी मेन एलिवेशन किसकी ज़्यादा होगी, चंडीगढ़ की. ओके, तो वहाँ पे टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ जलंधर, वहाँ पे थोड़ा ठंडा टेम्परेचर होगा, वहाँ पे थोड़ा कम टेम्परेचर होगा, ठीक है ना. वैसे वैसे जैसे आप उसके बाद हिमाचल की तरफ, शिमला की तरफ जाते हो, कुल्लू मनाली की तरफ जाते हो, रोहतांग पास की तरफ जाते हो, वी आर इंक्रीजिंग इन एलिवेशन. तो जैसे एलिवेशन होगी, जैसे जो आपका एलिवेशन वो 900 मीटर से ऊपर जाएगी, वो वहाँ पे टेम्परेचर डोमिनेंट हो जाएगा, नॉट रेनफॉल बट टेम्परेचर. ओके, सो एज अ टेम्परेचर फॉल विद आल्टीट्यूड, ये हम पढ़ के आए थे. तो ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल ये भी कर लिया था जब मैंने आपको शुरू में कराया था कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड फाइनली अल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन. ये चार तरीके से हम पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट भी पढ़ेंगे और अल्पाइन भी पढ़ेंगे. चार तरीके की वेजिटेशन होती है पूरे के पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट में, तो हम वो सारे एक बार डिस्कस करेंगे. इसके अलावा और कौन कौन सी होते हैं हमारे पास फॉरेस्ट, मैनग्रोव या स्वाम्पी फॉरेस्ट होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे. बेसिकली इसमें जो होता है ये दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट लाइक मैनग्रोव फॉरेस्ट, लाइक वेटलैंड्स, लाइक स्वाम्पी एरियाज, लाइक एस्चुरीज, यहाँ पे द सॉयल इज दैट डिटरमाइनिंग फैक्टर. क्यों, जब मैंने आपको लास्ट टाइम वेटलैंड्स करवाए थे मैंने कहा था वहाँ पे हाइड्रिक सॉल होगी. हाइड्रिक सॉल कौन सी होती है, जो कि एरोबिक होती है या एनारोबिक होती है, बताओ बेटा, इज इट एरोबिक और इट इज एनारोबिक, इट इज विच टाइप ऑफ सॉयल, एनारोबिक. गुड सलमा, गुड गुड प्रियंका, ठीक है, गुड गगन,
ठीक है जी, ये सारे कौन सी होती है, एनएरोबिक टाइप ऑफ सॉइल होती है। कम से कम वहाँ पे 7 से 10 दिन पानी खड़ा होना चाहिए, और क्या कहते हैं 18 फीट तक खड़ा होना चाहिए। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। कौन सी सॉइल डेफिसिट होती है, ये कौन सी गैस में डेफिसिट होती है, ऑक्सीजन डिप्लीटेड सॉइल्स होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती। वेरी गुड। सो दीज आर द टाइप ऑफ बेसिकली फॉरेस्ट, सर्टन माइनर टाइप ऑफ फॉरेस्ट। इसके बाद अल्पाइन पढ़ेंगे, टाइडल फॉरेस्ट, वहाँ पे टोपोग्राफी बहुत मैटर करती है। टोपोग्राफी क्या है हम आगे पढ़ेंगे। तो बेटा ये सब कुछ पता चल गया, व्हाट इज ट्रॉपिकल, व्हाट इज सब ट्रॉपिकल, व्हाट इज माउंटेन। माउंटेन इज बेसिकली हिल ट्रैक्ट में जो फॉरेस्ट होते हैं, या हिली एरियाज में या माउंटेनियस एरियाज में जो फॉरेस्ट होते हैं, वी कॉल देम एज माउंटेन फॉरेस्ट। एनएरोबिक, सॉरी अल्पाइन, अल्पाइन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट। वहाँ पे वेजिटेशन जो सबसे ऊपर स्नो लाइन, जहाँ से ट्री लाइन खत्म हो जाती है और ग्रास लैंड शुरू हो जाता है, उसके ऊपर जो भी एरिया आता है, जहाँ पे परमानेंट आइस रहती है, परमानेंट ग्लेशियस रेशन रहती है, वहाँ पे अल्पाइन रीजन बोलते हैं। इसको आप और अच्छे से पढ़ेंगे आज। ड्राई एंड मॉइस्ट इज बेसिकली डिपेंडेड अपॉन प्रेसिपिटेशन, कितनी रेनफॉल होगी उसके हिसाब से वो एरिया ड्राई या मॉइस्ट या वेट होगा। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिपिटेशन है। सर जी व्हाट इज इंटरमाउंटेन फॉरेस्ट, वैली, इंटरमाउंटेन वैलीज होती हैं, इंटरमाउंटेन फॉरेस्ट। जैसे अगर आप श्रीनगर की बात करो, एक तरफ उनके पीर पंजाल है, दूसरी तरफ उनके ऊपर कौन सा फॉरेस्ट, एक रेंज आती है जस्कर रेंज, तो उसके बीच में दो माउंटेन के बीच में जो खाली खाली जो डेप्थ वाली मतलब वैली आती है हमारे पास, वी शेप वैली आती है, वो श्रीनगर है, उसको हम बोलेंगे इंटरमाउंटेन। ओके बेटा, लग गई समझ एकता, डन। तो जैसे पीर पंजाल दो दो रेंजेस के बीच में जो खाई आती है, बीच में जो वैली आती है, बीच में जो लो लाइंग एरिया आता है, वहाँ पे जो बेसिकली लोग रहते हैं, वहाँ पे हम बोलेंगे इंटरमाउंटेन वैली। ओके, ड्राई मॉइस्ट एंड वेट, इसका समय लग गया ना। वेट इज द जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्ट में बीच वाली होती है, इतनी ज़्यादा कम भी नहीं, इतनी बहुत ज़्यादा भी नहीं होती, और ड्राई में तो बिल्कुल कम होती है। ठीक है जी, दीज आर इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। हार्डवुड और सॉफ्टवुड भी पढ़ के आए थे, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म भी पढ़ के आए थे, ये पता था। हार्डवुड पढ़ा था, इस फोटो भी दिखाई थी मैंने आपको, किसी को बताओ हार्डवुड आर बेसिकली विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। किसी को बताओ, जो गुड, एक मिनट, ओक वुड, सॉफ्ट वुड, ड्यूरेबल, वेरी गुड, ड्यूरेबल इज ए गुड वर्ड। हार्ड वर्ड जो होगी वो ड्यूरेबल ज्यादा होगी। देवदार की जो लकड़ी होती है वो बड़ी हार्ड होती है, देवदार की होगी। जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन वेट फॉरेस्ट में जितनी भी आएगी लकड़ियाँ, वो सारी की सारी हार्ड वुड होएंगी, ठीक है ना। सॉफ्ट वुड होती है चिर पाइन की ट्रीज की जो होती है, चिर पाइन जो छेती ग्रो करते हैं, कैसुरीना, ठीक है, दीज आर ऑल सॉफ्ट वुड प्लांट्स, ठीक है जी, जिनकी जो तने होते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा डेंस नहीं होते, ग्रेन जो है ज़्यादा डेंस नहीं होते, ठीक है जी। तो दीज आर बेसिकली the difference between hardwood and softwood. Softwood होता है वो durable नहीं होता। आपने घर में केल लगाया होगा, आपने घर में हॉलक लगाया होगा, आप घर में देखते हैं ना भाई, थोड़े white white color के दरवाजे होते हैं, हल्के दरवाजे होते हैं, जो इसके होंगे hardwood के, वो बहुत भारी होंगे, वो दो बंदे के बिना नहीं उठाए जाएंगे एक दरवाजा, इतना भारी होता है। घर के जो बड़े बड़े घरों के जो बाहर वाले एंट्रेंस होते हैं वो hardwood के बने होते हैं, क्योंकि ये durable होती है। एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट, ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है जी, हाँ फ्लावरिंग प्लांट्स, गुड सलमा, एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट्स, दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है जी, ये भी हम पढ़ के आएंगे आगे क्या है। डेसिडुअस वर्सेज एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये भी हम करके आते हैं लास्ट टाइम। डेसिडुअस जो पतझड़ होती है उसको बोलते हैं एवरग्रीन जो, अच्छा डेसिडुअस का मतलब होता है एक तो वहाँ पर ड्राई सीजन होगा, ठीक है, ड्राई सीजन का क्या मतलब होगा, वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे पानी की किल्लत होगी, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होएगी, तीसरी बात है वहाँ पे ट्रांसपीरेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो डेसिडस में क्या करते हैं, टू कंजर्व देयर वाटर, वो अपने पत्तों को छोड़ देते हैं, पत्तों मतलब पत्ते से तो ट्रांसपीरेशन होनी है, पत्तों से फोटोसिंथेसिस होना, वो चीज़ लूज़ कर देते हैं फॉर 2 to 3 months, जब वहाँ पे ड्रॉट होता है, जब वहाँ पे पानी की कमी होती है। डन, ये भी हो गया, आगे चलते हैं हम।
ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी हमारी, वी हैव डन ब्रेनस्टॉर्मिंग, नाउ वी शुड डू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट. दीज आर द अल्पाइन फॉरेस्ट जो हाई एरियाज में पाए जाते हैं. सब अल्पाइन और अल्पाइन में ये फ़र्क है कि अल्पाइन में बेसिकली अल्पाइन में आपका आइस कवर्ड आता है, और सब अल्पाइन में आपके आते हैं मेडोज जिसको आप बोलते हो ग्रास लैंड्स. ओके जी, सब अल्पाइन फॉरेस्ट इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आज. तो अल्पाइन एक बेसिकली बड़ा हिस्सा हो गया अल्पाइन का, एक बड़ा हिस्सा हो गया आपका ट्रॉपिकल का. ये माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हम पढ़ेंगे और टेम्परेट माउंटेन फॉरेस्ट भी पढ़ेंगे. ठीक है जी, ये दोनों माउंटेन में आ गए हमारे, माउंटेनियस एरिया में आते ये सारे तीनों, ये तीनों. ठीक है, और ये आ गया ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. इसके बाद हम ट्रॉपिकल के आगे की किससे पढ़ेंगे, ये देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट. उनके आगे आगे टाइप पढ़ी थी हमने, ये पढ़ के आए थे हम ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, मॉइस्ट एवरग्रीन, मॉइस्ट सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडियस. ओके, तो इनमें रेनफॉल इस तरह से नीचे को जाती है. ठीक है जी, इधर भी इस तरह से नीचे को जाती है, डिक्रीजेस. ओके, तो हम लास्ट टाइम ये पढ़ के आए थे डेफिनेट, हमने पढ़ा था कि भाई ये जो कोल्ड डेजर्ट हो गया, ये हॉट डेजर्ट हो गया, ये तो कैंसिल हो गया है ना. बाकी हमारे पास बचता है ये वाला माउंटेनियस एरिया सारे का सारा, यहाँ से ला के यहाँ तक. ठीक है ना, ये हम अलग से पढ़ेंगे, ये हम माउंटेन फॉरेस्ट में पढ़ेंगे. मोस्टली एरिया दीज आर कवर्ड इन द माउंटेन फॉरेस्ट. ओके, बट इसमें भी कुछ एरिया जैसे ये चेरापूंजी हो गया, ठीक है, ये वाले हो गया, असम का एरिया हो गया यहाँ पे, लेट मी यूज़ अनदर मार्कर, यहाँ पे ये वाला एरिया. ठीक है ना, दीज आर एवरग्रीन फॉरेस्ट्स, वो हम पढ़ेंगे क्या होते हैं. अब अगर ध्यान दो तो ये हॉट डेजर्ट शुरू हो रहा है, ये वाला कौन सा डेजर्ट होगा, ध्यान से देखो. यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्नी डेजर्ट है, यहाँ पे लिखा है थॉर्नी, यहाँ पे लिखा नहीं है वैसे, ये देखो लिखा हुआ ट्रॉपिकल थॉर्नी वेजिटेशन. तो डेजर्ट के बाद आता है थॉर्नी, थॉर्नी के बाद आ गया नेक्स्ट वाला शुरू होता है हमारे पास ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस. उसके बाद शुरू होता है देखो हमारे पास ट्रॉपिकल वेट मॉइस्ट. ठीक है ना, तो इसी तरह से हमारा सक्सेशन चलेगा. तो देखो हॉट डेजर्ट से स्टार्ट हुआ, हॉट डेजर्ट से स्टार्ट होकर पहुंचा ट्रॉपिकल थॉर्नी, थॉर्नी यहाँ पे थोड़ा पानी ज़्यादा आ गया, रेनफॉल ज़्यादा आ गई. उसके बाद ड्राई डेसिडियस, रेनफॉल और ज़्यादा आ गई. उसके बाद मॉइस्ट डेसिडियस, रेनफॉल और ज़्यादा आ गई. तो मेजोरिटी ऑफ जो अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर ये क्वेश्चन आता है आपको, वो विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल वेजिटेशन इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन इंडिया, तो आपने आंसर देना है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. तो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में दो तरह के फॉरेस्ट आते हैं हमारे पास, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई. ट्रॉपिकल मॉइस्ट और ट्रॉपिकल ड्राई में अगर देखो तो सबसे ज़्यादा हमारे पास ट्रॉपिकल मॉइस्ट है, फिर ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट है. ठीक है जी, और फिर है हमारे पास ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. ठीक है जी, डन बेटा, लग रही समझ. और ये भी मैंने आपको बताया था इतना सा एरिया ऑफ दिस तमिलनाडु एंड कर्नाटका का लोअर वाला हिस्सा है जो ये रेन शैडो एरिया में आता है, इसलिए इसका यहाँ पे ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट है. ठीक है जी, ओके डन बेटा, लग गई समझ. कोई क्वेश्चन यहाँ तक अभी तक, ये हम सारा कुछ लास्ट क्लास में करके आ चुके हैं. तो लेट्स स्टार्ट फिर से, क्यों कर रहा हूँ ताकि एक आपका लिंक बना रहे. वैसे मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आपको आगे से पढ़ाना बनता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बाद का जो ट्रॉपिक हम फॉरेस्ट पढ़ने थे, लेकिन हम फिर भी एक थोड़ा सा पढ़ जाते हैं ताकि आपको एक जो कंटिन्यूटी बनी रहे. ठीक है जी, ये मैंने आपको दोबारा कराऊंगा नहीं. देखो रेनफॉल कितनी होती है 250, और ये कितना होता है, टेम्परेचर इज अराउंड 25 to 26 डिग्री सेल्सियस. ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा, शुड वी मूव. ओके डन डन डन. कोई बच्चा नया आता तो ही और शी शुड हैव एन अटेंडेंस. ठीक है जी, अटेंडेंस को जरूर करना है वैसे. ओके, तो ड्राई सीजन इज बेसिकली यहाँ पे डिस्टिंक्टली शॉर्ट होता है, होता जरूर है लेकिन बहुत कम होता है. तो ट्री सोचते हैं कि अगर हम लूज नहीं करेंगे तो बेटर है, तो ट्रीज यहाँ पे जो अपना लीव्स है वो लूज नहीं करते हैं, तो एवरग्रीन रहता है. तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बेसिकली दीज आर बेसिकली फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स. ठीक है जी, वेस्टर्न घाट्स में प्रीडोमिनेंट फॉरेस्ट वेजिटेशन यही होती है, और हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सारे के सारे ये पाए जाते हैं. ठीक है जी,
नॉर्मल इसमें क्या होता है, वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट बेसिकली क्या होता है, इसमें ट्री की हाइट 45 to 60 सेंटीमीटर सॉरी मीटर्स की होती है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली वेस्टर्न घाट्स, इतने से इतने मीटर ऊंचाई के ऊपर ये पाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में, पूर्वाचल हिल्स में। पूर्वाचल हिल्स में आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से माउंटेन फॉरेस्ट में आते हैं और क्या क्या आते हैं। अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये पाए जाते हैं। क्यों याद रखना जरूरी है, UPSC विल आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, दिस प्लेस इन इंडिया या दिस रीजन इन इंडिया हैज़ थ्री टाइप ऑफ फॉरेस्ट, इट हैज़ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इट हैज़ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड इट हैज़ माउंटेन फॉरेस्ट। तो ये चीज़ आपको, ये जगह मेरे को आपको बतानी है। ये UPSC ने 2016 में क्वेश्चन पूछा था, देखो अब यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है ना। हाँ हाँ जी, एक था पूर्वांचल इज बेसिकली अराकाम योमा जो म्यांमार की तरफ आता है, ठीक है जी, वो सारा बैंड आता है, सिंटेक्सियल बैंड आता है, सिंटेक्सियल बैंड वो नीचे को जाता है, आज हम पढ़ेंगे वो क्या होता है। ओके, दूसरी बात ये रखनी है कि याद कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, थिक कैनोपी होती है, थिक कैनोपी का मतलब क्या होता है, छतरी बन जाती है, अम्ब्रेला बन जाती है, नीचे तक आपके पास लाइट नहीं पहुंचती है। जैसे कि मैं अगर इसकी बात करूं तो डिस्टिंक्ट जो है हमारे पास ट्री कवर होता है, कुछ बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं 60 मीटर्स वाले ट्रीज होते हैं, उसके बाद जो एक नीचे वाली लेयर आती है वो आती है कैनोपी लेयर, ठीक है, ये दूर दूर खड़े हैं देखो, उसके बाद जो छोटे ट्रीज हैं वो बीच में आ जाते हैं ताकि यहाँ पे जो लाइट है यहाँ पे हम वो ले जाते हैं, ठीक है ना। ओके, उसके बाद और नीचे थर्ड नीचे आती है अंडर कैनोपी, यहाँ पे बैम्बू ट्रीज आते हैं, ठीक है जी, बैम्बू यहाँ पे पाए जाते हैं, उसके नीचे सबसे एंड में आती है श्रब लेयर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि कैनोपी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है जी, जो बच्चा नया आता है वो अपनी अटेंडेंस लगा ले बेटा। ओके, चंचल इज ऑनलाइन, गुड। तो जितना जितना हमारे पास अंडर वेजिटेशन होएगा, ये जो नीचे नीचे घास फूस हो, घास फूस नहीं होता, यहाँ पे श्रब लेयर होती है, मतलब थोड़ी सी झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना। ग्रासेस आर नॉट प्रेजेंट, ये बात याद रखना, ग्रासेस आर नॉट प्रेजेंट इन विच फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल वेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके, इन तीन फॉरेस्ट में ग्रासेस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, नीचे नीचे छोटी छोटी झाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, एक आपको ऑर्किड्स देखने को मिलेंगे, ऑर्किड्स क्या होते हैं, ठीक है जी, ये बताना आपने मेरे को, ठीक है। क्लाइंबर्स देखने को मिलेंगे, एपीफाइट्स देखने को मिलेंगे, ये तीन चीज़ें अगर डोमिनेट, जो सबसे नीचे वाली वेजिटेशन होती है, कहाँ की ये वाली वेजिटेशन होती है, नीचे वाली वेजिटेशन होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके जी, एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। ओके जी, ट्रंकेस टॉपिक समथिंग, ऑर्किड इज बेसिकली फ्लावरिंग, फ्लावरिंग प्लांट्स, वेरी गुड। सो कोई बच्चा नया आया तो प्लीज अपनी अटेंडेंस लगा ले, एक तो यू हैव लॉग्ड इन 3 times। ओके, तो ये लग गया बेटा समझ, अम्ब्रेला शेप डी फॉर्मेशन हो जाती है, अगर आप अच्छे से देखो तो नॉर्मली आपको ऐसे दिखेगा बाहर से। तो दीज आर इमर्जेंट लेयर्स, बड़े बड़े ट्रीज दिख रहे हैं, तो बीच में आपको छोटे ट्रीज, ये डेंस फॉलिएज देख रहे हो, इसके अंदर जाओगे तो और छोटा आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है जी, ये देखो तड़े देखो, ठीक है, बीच में फॉलिएज है, ये नीचे से लटक रहे क्लाइंबर्स हैं, ऊपर जो है उनके ये जैसे ऐसे पड़े हुए हैं, दीज आर क्लाइंबर्स, वेल नहीं होती वेलें, ठीक है ना, वो है क्लाइंबर्स होते हैं, एपीफाइट्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ऑर्किड्स पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जो सबसे डिस्टिंक्टिव करेक्टर देख रहे हो आप यहाँ पे, ये देखो ध्यान से, इसको बोलते हैं बटरस रूट्स, क्या बोलते हैं हम, बटरस रूट्स। एक हमने पढ़ी थी प्रॉप रूट्स, प्रॉप रूट्स आर बेसिकली फाउंड इन विच वेजिटेशन, प्रियंका ने आंसर दिया था लास्ट टाइम, इट वॉज बेसिकली फाउंड इन मैनग्रोव फॉरेस्ट्स, मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैंने बताया प्रॉप अप रूट्स जो नीचे से ऊपर को आ रहे थे, है ना, गुड, मैनग्रोव फॉरेस्ट गगनदीप। तो ये बेसिकली एक्चुअली दीज आर नॉट रूट्स, दीज आर पार्ट ऑफ एक्चुअली द पार्ट ऑफ ट्रंक, ठीक है जी। अगर हम देखें, एक मिनट व्हाइट बोर्ड पे जाके देखते हैं,
तो अगर एक कोई भी प्लांट होता है ये उसका अगर ट्रंक है, तो नीचे ये नीचे अगर अगर धरती है ठीक है ना, दिस इज द लेवल सरफेस सॉयल, इसके नीचे उसकी क्या होती है जड़े होती है ठीक है ना। दीज आर रूट एंड ट्रंक आर टू डिफरेंट थिंग्स ठीक है ना। बट इसमें क्या होता है क्योंकि इसका जो हाइट है वो 60 मीटर्स है, इतनी बड़ी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा आपको ट्रीज को ज़्यादा अपने को सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो कैसे करते हैं ट्रंक से ही अपनी जो है रूट सिस्टम एक निकाल देते हैं, वो ऊपर ऊपर इसके ऊपर रख देते हैं ठीक है जी। लग रही समझ बेटा, वो क्या करते हैं, ये तो नीचे वाली जो है वो रूट सिस्टम है, रूट सिस्टम को आपको नहीं देखना, ये देखो एक मिनट मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। तो ये नीचे वाला रूट सिस्टम है, जो ऊपर से आएगा दैट वुड बी द बटरस सिस्टम। बटरस सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये यहाँ से जो यहाँ आ रहा है ठीक है ना, ये भी धरती के अंदर जाता है। देखो ये भी दो काम करता है, रूट्स का भी काम करता है और सपोर्ट करने का भी काम करता है। देखो एक्सटेंसिव रूट्स कहाँ कहाँ पे होंगी, एक्सटेंसिव रूट सिस्टम, न्यूमरस क्लाइंबर्स मे बी प्रेजेंट, यस अभिषेक वेरी गुड गुड, तो ये समझ रहा है। तो ये बेसिकली काम क्या है इनका, प्रोवाइड करना हमारे पास टू सपोर्ट द ट्री, जो ऊपर आर्किटेक्चर है उसके जो ऊपर जितना भी ज़्यादा भार है उसको सपोर्ट करना और रूट का काम भी करना ठीक है जी। डन, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ इरोजन दैट टेक्स प्लेस विद इट, टॉप सॉइल की इरोजन पाई जाती है यहाँ पे। तो ये है जो एक्स्ट्रा जो नीचे को आ रही हैं रूट्स, ये इसको संभालने का काम भी करती हैं और पानी एब्जॉर्प्शन का काम भी करती हैं। यू शुड नो, ओके लग गया बेटा समझ, शुड आई क्लियर इट, साफ कर दूं इसको। सो नाउ वी मूव ऑन टू द प्रेजेंटेशन। तो बटरस सिस्टम इज डिस्टिंक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, लिख लेना, प्रॉप रूट मीन्स सपोर्टिंग रूट, यस नॉट प्रॉप रूट, हाँ प्रॉप रूट इज मीन्स सपोर्टिंग रूट। ये दूसरी तरह की रूट्स भी होती हैं, एक और तरह की रूट्स जिसको स्टिल्ट रूट्स बोलती हैं। तो स्टिल्ट रूट्स एंड प्रॉप रूट्स आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, दे आर फॉर सपोर्ट एज वेल एज फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन एज वेल, ओके। क्योंकि वहाँ पे क्योंकि मैंग्रोव फॉरेस्ट में हमारे पास एनारोबिक सॉइल होती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, तो एक ऑक्सीजन चाहिए होती है रूट को ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को, तो वो कहाँ से आती है, वो पानी से बाहर को निकालते हैं रूट्स, दैट आर नोन एज प्रॉप रूट्स, ओके। डन बेटा आगे चले। सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड आती है, ये तो आपको बता दिया, दीज आर नॉट एक्चुअली व्हाट काइंड ऑफ फॉरेस्ट माइट बी, किस तरह का फॉरेस्ट हो सकता है। ये देखो ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा ट्री का तना है और बीच में ये जो लटका हुआ है देखो क्लाइंबर्स हैं, ये सारे कौन से हैं, क्लाइंबर्स हैं ठीक है जी। और नीचे ये क्या है, घास नहीं है, दीज आर श्रब फॉरेस्ट, छोटे छोटे श्रब्स हैं, ये छोटे छोटे ट्रीज हैं, ये देखो दीज आर बेसिकली। सर जी नीचे क्यों होती है, प्रॉप रूट्स क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा मेरे को, व्हाट इज योर पॉइंट, प्लीज मेक योर पॉइंट। तो ये देख रहे हो आप, ये श्रब फॉरेस्ट है सारे का सारा, नीचे जो अंडरग्रोथ है, दिस इज नॉट ग्रास फॉरेस्ट बट दिस आर श्रब फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत कम सनलाइट है वो नीचे आती है, तो ये क्या कहते हैं, दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट आर बेसिकली नोन एज बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ओके। इट मे बी रेन फॉरेस्ट और इट मे बी डेसीडियस फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसीडियस, वो हम पढ़ेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके तो अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपको, विद थिक कैनोपी, यस प्रियंका विद थिक कैनोपी, तो ट्रॉपिकल जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये एक तरह का ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की तरह ही होता है, क्योंकि ट्रांजिशनल एरिया होता है हर जगह पे, आप यह नहीं कह सकते कि भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी होगा, क्योंकि ट्रॉपिकल एवरग्रीन के साथ सेमी एवरग्रीन भी हो सकता है। सेमी एवरग्रीन कौन होता है, उसमें थोड़े से डेसीडियस, कौन से डेसीडियस, मॉइस्ट डेसीडियस ट्रीज भी पाए जाएंगे बीच में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हर जगह पे रेनफॉल इक्वल नहीं होती। अगर आप चेरापूंजी की बात करो, वहाँ पे
बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, मायस एंड राम में चले जाओ वहाँ भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, अगर थोड़ा सा एरिया अगर 10-15 किलोमीटर थोड़ा इधर को देख लो और करके तो वहाँ पे उतनी रेनफॉल नहीं होती, तो वहाँ पे कौन सा हमारे पास फॉरेस्ट होगा? ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली किस तरह के फॉरेस्ट है? ये ट्रांजिशनल फॉरेस्ट है, ये इकोटोन वाले फॉरेस्ट हैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। तो पहले अगर ट्रॉपिकल डेसीडियस में कौन सा? मॉइस्ट डेसीडियस। तो पहले क्या आएगा हमारे पास? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, फिर आएगा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, फिर आएगा ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन मॉइस्ट डेसीडियस, फिर आएगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस, वेट डेसीडियस यू कैन से वेट डेसीडियस और मॉइस्ट डेसीडियस एक ही बात होती है, ठीक है। तो मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट में या वेट डेसीडियस फॉरेस्ट विल फॉलो एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके। सो बेसिकली इसमें क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं? सेम टू सेम होती है, थोड़ी सी कम रेनफॉल होती है, 200-250 होती है, टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसमें भी डिस्टिंक्ट इज नॉट शॉर्ट लाइक इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन। द करैक्टरिस्टिक फीचर हेयर इज द ड्राई सीजन इट्स नॉट दैट मच शॉर्ट, इतना कम नहीं होता है जितना आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में होता है, ओके जी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पाई जाती है? आसाम में, वेस्टर्न कोस्ट में पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स में तो पाई जाएगी, लोअर स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालयास जैसे कि गारो खासी जयंतिया हिल्स में ये पाया जाएगा, उड़ीसा का वेस्ट वाला जो पोर्शन है उसमें पाया जाएगा, अंडेमान में अपर एरियाज में पाया जाएगा, ठीक है। दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके जो इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है बेटा, वो ये बात है कि दीज आर मोर ग्रीगेरियस या नैरो बेल्ट लॉन्ग विद द एवरग्रीन फॉरेस्ट, बिल्कुल, क्योंकि ये ट्रांजिशनल फॉरेस्ट होते हैं। इसके बाद क्या आएगा? ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल ड्राई मॉइस्ट फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल वेट डेसीडियस फॉरेस्ट, ओके जी। डेसीडियस आएगा, डेसीडियस भी दो तरह का होता है, हमने दो तरह के पढ़ना, आप इसमें कन्फ्यूज ना हो कि वेट के ज़्यादा बढ़िया है कि मॉइस्ट है। मोस्टली जो हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे क्योंकि जो हमने एनसीईआरटी में दिया गया, तो एनसीईआरटी में सिर्फ दो तरह से क्लासिफाई किया गया इसको, दो तरह से कौन से फॉरेस्ट हमारे पास, मॉइस्ट डेसीडियस एंड ड्राई डेसीडियस, ये दो ही हम पढ़ेंगे और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। वाई वेट, कई बुक्स में वेट भी किया होता है, वेट मॉइस्ट डेसीडियस, तो वो हम करेंगे नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी कभी ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन नहीं पूछेगी, वो एनसीईआरटी के बेस के हिसाब से क्वेश्चन पूछती है। तो अभिषेक यू आर क्लियर नाउ? दैट्स वेरी गुड। तो एक यहाँ पे जो सबसे बात नोट करने वाली है, जो आपने नोट्स में ये लिखना है, वो है ग्रीगेरियस होते हैं, लिविंग इन फ्लॉक्स और कॉलोनीज, मोर प्योर स्टैंड दैन द वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस होती है, फ्लोरा एंड फौना होता है, ठीक है जी। बट प्रॉब्लम बेटा कहाँ पर आती है? अगर मेरे को यहाँ पे काटना है किसी को, मतलब दरख्त को काटना है, पहली बात तो यहाँ पे जगह ही नहीं है आपके, यहाँ पे कौन सा ट्रक आएगा? मेरे को बात सुनो, यहाँ पे कोई ट्रक आ सकता है ये बताओ? अगर मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फॉरेस्ट को काटने, यहाँ पे कौन सा ट्रक आएगा? क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, अगर ये इनकी एक जैसे ट्रीज की हाइट होती तब भी मैं इसको सोच सकता था, बट क्योंकि इसके दो बड़े ट्रीज हैं उसको काटने के लिए पहले मेरे को इतने छोटे ट्रीज जो निकम्मे ट्रीज हैं जिनका कोई लोड नहीं होगी मेरे को, वो काटने पड़ सकते हैं। तो इन दो ट्रीज को काटने के लिए ये, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनका प्योर स्टैंड नहीं है। प्योर स्टैंड मतलब होता है जब जिस फॉरेस्ट में एक जैसे ट्रीज होते हैं, ठीक है। द मोर एक जैसे ट्रीज होंगे उतना ज़्यादा उसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, उसको क्लियर करके उसको नए फॉरेस्ट उगा सकते हैं वहाँ पे, ताकि अपना टिम्बर यूज़ कर सकें, ठीक है ना। अब लग रहा समझ? तो ये स्लाइड का क्या मतलब हुआ हमारे पास, एक मिनट, तो इसका प्योर स्टैंड का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे एक जैसे ट्रीज ज़्यादा पाए जाएंगे तो हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर फोर्डर सॉरी फॉर टिम्बर इंडस्ट्री एज वेल, ओके, समझ लग गई। तो लिविंग ग्रीगेरियस होते हैं ये, मोर ग्रीगेरियस मतलब मोर कट्ठे रहते हैं, गुड फॉर कमर्शियल यूज़, वेरी गुड, एकता गुड फॉर कमर्शियल यूज़, गुड फॉर टिम्बर इंडस्ट्री, ठीक है जी। तो इसमें भी बटरस ट्रंक होएगा और अबंडेंट एपीफाइट्स होएंगे जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होगा। द ओनली डिफरेंस थिंग बिटवीन ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन इज बेसिकली वन थिंग, एक तो यहाँ पे ड्राई सीजन
लंबा होता है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन, नंबर वन। नंबर टू, ये ग्रिगेरियस ज़्यादा होते हैं। ग्रिगेरियस मतलब वहाँ पे नंबर ऑफ प्योर स्टैंड्स वुड बी मोर, नंबर ऑफ इको जहे जड़े अपने मतलब जो ट्रीज होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं, वो एक जैसे ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। बाकी सब कुछ सेम है, इसमें भी बटरस ट्रंक होएंगी, इसमें भी एपिफाइट्स होएंगे, इसमें भी ऑर्किड्स होएंगे, इसमें भी जो ग्रासेस हैं वो नहीं होंगे। ये याद रखना है, जो करैक्टरिस्टिक चीज़ें होती हैं वही याद रखनी होती है। बाद में आपने अब इसके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो, तो बेसिकली इसमें इतना रेनफॉल है, ये वाला है, और इसमें इसके कंपेरेटिवली ये ज़्यादा, दो डिफरेंट पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट यू शुड रिमेंबर। ओके, तो बटरस रूट इसमें भी आती हैं, हम पढ़ के आ चुके हैं। ये देखो बटरस रूट्स, ठीक है जी। ओके, तो कौन कौन से ट्रीज यहाँ पे पाई जाती है, वाइट सेडार हो गया, इंडियन चेस्टनट हो गया, मैंगो ट्रीज हो गया जो, ठीक है, दैट इज आर आल्सो फाउंड इन ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। चंपा चमेली जो बोलते थे हम ट्रीज, दीज आर बेसिकली दोज ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। रोजवुड में हुआ, मेसुआ और थॉर्नी बैम्बू, ये सारे पहले भी आते थे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन में भी आते हैं, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट दैट मच ऑफ ए डिफरेंट थिंग। बेटा किसी का जो अगर कनेक्शन लूज हो रहा है तो प्लीज़ उसको करेक्ट कर लें, ठीक है ना, हाँ प्लीज़ चेक कर लो उसको, अगर किसी का कनेक्शन लूज हो रहा तो। इज़ इट ओके, अभी तक समझ आ रहा है बेटा, डन। तो हार्डवुड क्या होएगी, सेम होएगी, बट इसमें मोर प्योर स्टैंड होते हैं, ठीक है ना, एंड फॉरेस्ट आर लेस डेंस, दैट आर टू थिंग्स, लेस डेंस फॉरेस्ट प्लस मोर प्योर स्टैंड्स मेक इट कमर्शियली वायबल टू फॉर टिम्बर इंडस्ट्री, कमर्शियली वायबल फॉर टिम्बर इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री के लिए ज़्यादा फायदेमंद ये वाला फॉरेस्ट है, इसलिए दैट आर मच मोर थ्रेट, ठीक है ना, दे आर मच मोर अंडर थ्रेट ऑफ कमर्शियल एक्सप्लोटेशन। ओके जी, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ट्रीज आते हैं वहाँ पे। ओके, सो आज जो हम बेसिकली नया काम करने जा रहे हैं वो हम बेसिक पढ़ने जा रहे हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल मॉइस्ट का टेम्परेचर जो रेनफॉल का जो बेसिकली होगा क्राइटेरिया, दैट वुड बी 100 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल वुड बी देयर, दैट इज एनुअल रेनफॉल, एक साल में कम से कम इतनी होती है। दूसरा इज एवरेज टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, स्प्रिंग बिटवीन विंटर एंड समर के टाइम पे, एंड समर्स आर यूजली ड्राई, ठीक है जी, तो ये इसका ड्राई सीजन होता है, जहाँ जब ड्राई सीजन ज़्यादा होगा तो 6 to 8 weeks का सीज़न होता है, मैंने आपको बताया 1.5 to 2 months का सीज़न होता है, जहाँ पे ये अपने जो पत्ते हैं वो खो देते हैं, ठीक है जी। द ट्रीज ड्रॉप देयर लीव्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड अर्ली समर व्हेन द सफिशिएंट मॉइस्चर इज नॉट अवेलेबल, सो इस टाइम पे अप्रैल टू मई के टाइम पे ये अपना जर्नली क्या कर देते हैं, पत्ते को खो देते हैं, ठीक है जी। तो यूजली अब देखो, जैसे जैसे वी मूव ऑन टू डेसीडियस फॉरेस्ट, एक दो चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा, एक तो रेनफॉल का फ़र्क पड़ गया, देखो रेनफॉल होगी कम, ठीक है, जब रेनफॉल कम होएगी तो ग्रोथ ऑफ द प्लांट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, तो यहाँ पे जो इरेगुलर टॉप स्टोरी हो जाएगा, तो 25 से 60 मीटर जो हमने देखा था कि नॉर्मली ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इज यूजली 60 मीटर्स की हाइट होती है वहाँ, जो सबसे ऊपर वाला दरख्त होता है, फिर 40 पे भी होता है, फिर 20 पे भी होता है, फिर नीचे 5-10 मीटर पे भी होता है, तो ये सारे ग्रोथ होती है वहाँ पे। बट जैसे जैसे यहाँ पे हम ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो ग्रोथ है वो कम होती जाएगी अब ट्रीज़ की, ठीक है जी, ट्रीज़ की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंटली गो ऑन डिक्रीजिंग, ये भी याद रखना। तो ये भी हैविली बटरस्ट होते हैं क्योंकि ये मॉइस्ट है, तो ये रेनफॉल इतनी कम नहीं हुई है अभी हमारे पास। देर इज़ फेयरली कम्प्लीट अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे अभी आके। अंडरग्रोथ बेसिकली जो नीचे वाला एरिया होता है, जो धरती के साथ लगा एरिया होता है, उसमें अंडरग्रोथ अंडरग्रोथ मतलब चाहे वो ग्रास हो चाहे वो नीचे श्रब हो, वो भी काफ़ी डेवलप होता है यहाँ पे। तो बेसिकली हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दीज आर द फॉरेस्ट दैट आर मोस्टली फाउंड इन इंडिया, मोस्टली ग्रास कवर्ड एरिया अगर इस फॉरेस्ट का देखें, ये भी UPSC में क्वेश्चन आया हुआ है, तो दैट इज ऑफ दिस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट। स्टंटेड ग्रोथ, वेरी गुड प्रियंका हैज यूज्ड अ वेरी गुड वर्ड, स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ होती है कि ग्रोथ विल गो ऑन डिक्रीजिंग, स्टंट होता रहता है, क्योंकि अब हमारे पास इतने ज़्यादा रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे पास वाटर नहीं है, तो हमारी ग्रोथ है वो स्टंटेड होती रहती है, छोटी होती रहती है। ओके डन,
तो बेसिकली दी ज्यादा चाहे वो इतना ज्यादा एरिया है तो सबसे ज्यादा थ्रेट किसको है, कटिंग का या मतलब क्लियरिंग का, तो इसी फॉरेस्ट को सबसे ज्यादा थ्रेट होता है क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा यही फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आई थिंक, या ट्रॉपिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इनकी। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चेक करना है। ओके तो ये कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे मॉनसून, इसी को एक और चीज़ आती है, इसका नाम और क्या है, मॉनसून डेसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉनसून डेसीडियस फॉरेस्ट इज द अनदर नेम फॉर ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। ओके बेटा ये याद रखना, जहाँ पे मॉनसून ज़्यादा होगा देयर कंडीशन वुड भी वहाँ पे ज़्यादा होगा ये वाला फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाएगा, बेसिकली शिवालिक के फुट हिल्स में। तो वी हैव चंडीगढ़ इन द शिवालिक फुट हिल्स, वी हैव पार्ट ऑफ ओडिशा, मोस्ट ऑफ ओडिशा ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये भी आज देखें कहाँ, हिल्स ऑफ ईस्टर्न मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। देखो यहाँ पे हिल्स लिखा है बेटा, तो यूपीएससी क्लासीफाइज एज दिस एज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम, दे कॉल इट सब ट्रॉपिकल माउंटेन हिल फॉरेस्ट, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे क्या होता है। मनप्रीत यू क्या नहीं शो हो रहा आपको, प्रीवियस पीडीएफ शो नहीं हो रहा, पीडीएफ इज नॉट, ये तो पीपीटी है, तो फिर भी मैं देख लेता हूँ क्या नहीं शो हो रहा आपको। ये वाली शो हो रही है, ट्राई टू टाइप, क्या ये शो हो रही है, इज इट ओके, टेल मी। तो बेसिकली पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ईस्टर्न गार्ड्स एंड स्लॉक, तो आपने देखा कुछ ये फ़र्क लगा आपको कुछ, ये हम ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन में भी पढ़ के आए थे। वी हैव आल्सो फाइंड दिस इन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस। ओके ट्राई टू रिमेंबर दीज काइंड ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स, दिस इज व्हाट यूपीएससी आस्क्ड, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे कैसे होता है। तो ट्रीज कैन रीच अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 60 मीटर, यूजली इनकी हाइट 60 मीटर से नीचे होती है, बट द कैनोपी इज नॉट डेंस एज इन वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो कैनोपी डेंस नहीं होती है, तो इसका मतलब क्या होएगा, पोर स्टैंड ज़्यादा होएंगे, इनकी एक्सप्लोटेशन ज़्यादा होएगी। तो मेजर जो यहाँ पे चीज़ प्रोवाइड होती है, तो हार्डवुड यहाँ पे पाई जाती है, उसका नाम है टीक। ओके तो आपने देखा होगा बुरमा टीक, सेंट्रल वुड हो गया, लॉर रोज वुड हो गया, जामुन के दरख्त हो गए, इनकी जो तने होते हैं या उनका जो ग्रेडिंग होती है, इनकी जो लकड़ होती है वो काफ़ी भारी होती है, ठीक है, बहुत मास होता है, दे आर डेंसली पैक्ड, तो इसलिए वो जो ना इनको ज़्यादा दीमक लगता है जल्दी, ना ये जल्दी ख़राब होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी ज़्यादा जो है प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स कल्टीवेशन होती है, सॉरी इनकी जो ज़्यादा एक्सप्लोटेशन होती है, ठीक है जी, फॉर टिम्बर यूज़। इट इज़ कंपेरेटिवली ईजी टू एक्सप्लोर दीज फॉरेस्ट ड्यू टू, एक तो ये ज़्यादा प्रेजेंट है हर जगह पे, ज़्यादा प्रेजेंट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट यही हैं, तो इनकी, और दूसरी बात है ये डेंसली पैक्ड नहीं है, तीसरी बात है ईजिली एक्सेसिबल है, और चौथी बात है ये प्योर स्टैंड के होते हैं, प्योर स्टैंड मतलब अगर टीक फॉरेस्ट है तो टीक के दरख्त ही वहाँ पे पाए जाएंगे मोस्टली, तो यहाँ पे एक्सप्लोटेशन है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। तो इस तरह से एक्सप्लोटेशन होती है, एक्सप्लोटेशन इज मोस्टली इन ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस, उससे कम ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, उसके बाद ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। ओके बेटा लग गए समझ, गुड डन, मूविंग अहेड, बता दो यस करके टाइप, और शुड आई मूव, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ। यहाँ तक क्लियर है सर बेटा, दैट्स वेरी गुड, कोई अब डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, अभी हम बहुत करेंगे इजी रहे, इससे इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। राम कुमार इज इट ओके, ओके सो ट्रॉपिकल डेसीडियस पढ़ लिया हमने, और हम पढ़ेंगे अब ये देखो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस फॉल्ट, मॉइस्ट का मतलब ही मॉइस्चर होता है, ठीक है जी। दूसरी बात, आपको मैंने बोला था इसको मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो दो तरह के मॉनसून आते हैं बेटा हमारे पास, जो सबसे पहले आता है जो जून में आता है, कौन सा आता है, इज इट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट, कौन सा आता है, टाइप करके बताओ मेरे को जल्दी, बहुत टाइम है बेटा, टाइप करो, वेरी गुड। साउथ वेस्ट इज आल्सो नोन एज विच टाइप ऑफ मॉनसून, कब आता है, कौन से मंथ में आता है,
ये बताओ मेरे को, जून, वेरी गुड, जून से यूजली स्टार्ट हो जाता, तो साउथ वेस्ट मॉनसून जब आएगा तो ये वाले फॉरेस्ट वहां, क्योंकि इसका नाम देखो क्या है, मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है जी, मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, जहां पे दोनों तरफ मॉनसून आएगा, दिस इज यूजली इन अक्टूबर नवंबर, ओके, दिस इज यूजली इन जून टू जुलाई, ठीक है, जब जून टू जुलाई जब आ रहा है तो कौन से एरिया ज्यादा कवर कर रहा है, देखो ध्यान से, इट इज कवर्ड इन द वेस्टर्न हिल, कौन से, वेस्टर्न घाट एरिया सारा कवर कर रहे है? उसके भी कौन से स्लोप्स अगर मैं बात करूंगा, वेस्ट फेसिंग स्लोप्स, ठीक है, ये समझ रहे हो ना, वो याद रखो जो डायग्राम हमने बनाया था ओरोग्राफिक रेनफॉल वाला, कि जब एक सी से लहरें आती हैं, मॉइस्चर लेडन विंड्स आती है, उसका नाम क्या है, मॉनसूनस, जब वो ऊपर आती हैं तो यहाँ पे बारिश हो जाती है, ये कौन सा कोस्ट, कौन सा हिस्सा होगा, वेस्ट वाला, ईस्टर्न जो स्लोप्स होंगे वहाँ पे कौन सा फॉरेस्ट होगा, मॉइस्ट डेसिडियस, याद रखो इसको, ठीक है, तो मॉनसून वाली विंड जब नीचे आएगी तो यहाँ पे कौन सा विंड होगी, यहाँ पे, जहाँ पे जो कौन सा फॉरेस्ट होगा, बेसिकली इज दिस, अब ये मॉनसून से यहाँ से आगे, अब एरिया दूसरा जो सबसे ज़्यादा एरिया वो वाला, ये वाला एरिया, क्यों, क्योंकि जब नवंबर से, अक्टूबर से नवंबर में दूसरी बार मॉनसून आता है हमारे पास, वो आता है बेसिकली इन जगह पे, ध्यान से देखो कौन कौन से फॉरेस्ट हैं इधर, कौन कौन सा एरिया आ गया, वी हैव गॉट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक हेयर, वी हैव गॉट ईस्टर्न स्टेट्स लाइक विच एरिया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, लोअर पार्ट ऑफ झारखंड एंड बिहार एंड वेस्ट बंगाल, तो यही हम लिख के आए सारे का सारा, तो इसको रिमेंबर करने की जरूरत है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि मॉनसून, अब ये क्या इंडिया में यहाँ पे आएगा कभी, नहीं आएगा, क्या पंजाब में आएगा कभी, नहीं आएगा, क्या यहाँ पे आएगा मध्य प्रदेश में, नहीं आएगा, समझ रहे हो ना बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो मॉनसून के कारण होती तो है, बट मेजॉरिटी कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है अर्ली के कारण, ठीक है जी, लकी बेटा समझ, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाएंगे वो कौन से होंगे, दैट वुड बी योर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, या ट्रॉपिकल विच फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, डन बेटा, ओके, शुड वी मूव अहेड, ओके, ट्राई टू विजुअलाइज दिस थिंग, ये देखो ये जो ग्रीन पैच है, दिस इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ध्यान से देखो जहां पे मैं अभी स्लाइड चला रहा हूं, ये सारा का सारा ट्रॉपिकल कौन सा है, एवरग्रीन, याद रखो ये एवरग्रीन है, ठीक है, इसके आगे, इसके पीछे दोनों तरफ क्या है, ट्रॉपिकल विच फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस, नॉट एवरग्रीन, दिस इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ठीक है जी, डन, एवरग्रीन इज मिक्स्ड होता है, इसके बीच में मिक्स्ड होता है, ये जो मैंने ड्रा किया, इट इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन एज वेल, ओके, तो यहाँ पे एरिया आ गया, इसके आगे भी यहाँ पे ये देखो, और इसके पीछे भी यहाँ पे भी ये देखो, सॉरी, लेट मी यूज सम डिफरेंट मार्कर, ये जो एरिया है, ये जो एरिया इसके पीछे वाला एरिया है सारे का सारा, फॉल कर रहे हो ये वाला, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, ये वाला एरिया कौन सा है बेटा, दिस इज ट्रॉपिकल डेसिडियस, नॉट एवरग्रीन, दिस इज ट्रॉपिकल डेसिडियस, वाई, देखो जब हम ऐसे करके पहाड़ पे चढ़ेंगे तो ऊपर जाके तो बारिश हो जाएगी, यहाँ पे नीचे फिर कम बारिश होगी, दूसरी तरफ भी यहाँ पे कम बारिश होगी, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस है, यहाँ पे भी ट्रॉपिकल डेसिडियस है, पर कौन सा मॉइस्ट मॉनसून डेसिडियस, ओके जी, लग गई समझ बेटा, दूसरी बात, ये देखो वही एरिया आ गया, छत्तीसगढ़ वाला एरिया आ गया, वेस्ट कोस्ट ऑफ उड़ीसा आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया, ये वाला एरिया इतना सारा, दीज आर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस, ट्रॉपिकल विच फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस, यहाँ तक समझ लगा बेटो, देखो अगर ये समय लग गया तो बाकी काम तो बहुत सिंपल है, लेट मी क्लियर दिस एंड वी विल ट्राई टू विजुअलाइज इट वंस मोर, बेटा अब बताओ, यू शुड टाइप इट, यस और नो टाइप स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन हो यहाँ पे, लेट मी टाइप, अभी मैं समझाता हूँ एक बार, पहले मेरे को बता दो, व्हाट इज एनी क्वेश्चन, ओके, रेड लाइन प्रियंका, जो रेड लाइन थी
दिस इज बेसिकली फॉरेस्ट. विच फॉरेस्ट? वी हैव ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट. तो ये जो ग्रीन लाइन है दिस इज ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि ये हाइट पे है. ठीक है, देखो आज हम पढ़ेंगे एक, मेरे को अब आपको एक कराता हूँ, एक मिनट, एक स्लाइड है मेरे पास, लेट मी शो यू दैट. आप इसको ऐसे समझिए, देखो देखा डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ, कॉनिफेरस, ये हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं. देखो वी आर क्लाइंबिंग इन आल्टीट्यूड हियर, लैटिट्यूड इज दिस साइड. ठीक है जी, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विल गिव वे टू ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस टू ट्रॉपिकल कॉनिफेरस, दैट विल गिव राइज टू ग्रासलैंड्स, दैट विल गिव राइज टू आइसलैंड्स. ठीक है जी, ये समझ लग गया बेटा, लग गया समझ. बट जब हम वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न घाट्स में वहाँ पे तो पहाड़ हैं, दे आर हिली एरियाज, दे हैव एटलीस्ट 1500 मीटर की हाइट होती है वहाँ पे, 1500 मीटर दैट इज 1.5 किलोमीटर. तो जो नीचे वाले होंगे, ये देखो यहाँ पे हवा ऊपर चल रही है, ठीक है ना, ऊपर चलेगी, ठीक है ना. तो नीचे वाला जो है वो डेसिडियस फॉरेस्ट होता है हमेशा. ठीक है जी, डन, ओके. जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर और एल्टीट्यूड का जो रिलेशन है वो कॉनिफेरस ट्रीज में तब्दील हो जाएगा, उसके बाद ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, उसके बाद परमानेंट आस आएगी, क्योंकि साउथ इंडिया में हाइट इतनी नहीं होती, हाइट यहीं पे ख़त्म हो जाती है. ये देखो समझ रहे हो, साउथ इंडिया में मोस्टली क्या होते हैं, जो हमारे पास हिल्स होती हैं दे आर नॉट दैट मच ऑफ इंक्लिनेशन, इतनी हाइट नहीं होती उनकी. तो बेसिकली क्या होता है, हमारे पास कौन सा फॉरेस्ट आएगा, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल कौन सा फॉरेस्ट, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट नीचे, उसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट, देन बस कब खत्म. लग गई समझ बेटा, लग गई समझ? और शुड आई एक्सप्लेन इट वंस मोर, एक बार और देख लो फिर. यहाँ पे एक और स्लाइड होगी मेरे पास, लेट मी चेक. अब देखो ये अल्पाइन है, ठीक है, ये ओक फॉरेस्ट है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं बेसिकली, ट्रॉपिकली ओक, ओक पाइन बेसिकली, ठीक है ना, ओक बैम्बू रोडेंड्रोन, ठीक है ना. तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वो कॉनिफेरस ट्रीज की तरफ मूव होगा. ठीक है जी, एक और स्लाइड है, जैसे ये देख लो, दीज आर बेसिकली हिल फॉरेस्ट ना. तो ट्रॉपिक सब इक्वाटोरियल फॉरेस्ट, एवरग्रीन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडियस, कॉनिफेरस, सब अल्पाइन, अल्पाइन, स्नो, एवरेस्ट. ओके, तो ये हम जैसे आज पढ़ेंगे वैसे वैसे करके आएंगे. तो अगर किसी को समझ नहीं लगा अभी भी, तो यू, ही और शी कैन आस्क मी एनी टाइम. ठीक है, फिर भी हम इसको और करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा आगे जाके. लेट मी शो यू व्हाट इज़ द बेसिक चेंज हियर. तो वी हैव डन टिल आई थिंक हियर, और लिटिल बिट पीछे है ना, ये वहाँ तक. तो यहाँ तक हमने कर लिया था. तो बेसिकली दीज आर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दीज इज सराउंडेड बाई ट्रॉपिकल, विच पार्ट एरिया, दिस इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस. ओके, देन वॉट टॉपिक नेक्स्ट इज ट्रॉपिकल, नेक्स्ट इन द एवोल्यूशन इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस. तो मोस्टली दिस इज फॉलोड बाय, हियर आ देखो, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस, दिस इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस. ठीक है, यहाँ तक. और फिर ये दिस इज फॉलोड बाय ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट. ठीक है, तो एक हमने आज पढ़ के आए, देखो एक बार से फिर से पढ़ते हैं उसको. देखो तो दिस इज योर हॉट डेजर्ट, दिस इज राजस्थान डेजर्ट, दिस इज फॉलोड बाय ट्रॉपिकल विच एरिया, थॉर्नी फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट. ओके, थॉर्न फॉरेस्ट इज हियर, इट इज इन द लोअर पार्ट ऑफ पंजाब, लोअर पार्ट ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली एंड अपर मिडल पार्ट ऑफ राजस्थान. तो ये वाला एरिया इज बेसिकली योर थॉर्नी फॉरेस्ट, स्क्रब फॉरेस्ट, इसको स्क्रब फॉरेस्ट भी बोलते हैं. अब हम इसके बाद जाएंगे तो वी विल गेट इन टू ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पे आएगा आपके पास. ओके जी, ये वाले एरिया में. वाई दिस वाला एरिया? बिकॉज ध्यान से देखो, दिस इज योर, यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक
दिस इज योर लोअर शिवालिक एरिया, ठीक है, पहाड़ वाला एरिया है। जब आपके पास यहाँ से आयता है नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, पहले वो यहाँ पे टकराता है, फिर वो यहाँ से रिवर्सल होके विंड्स यहाँ की तरफ जाती है। तो यहाँ पे पहाड़ होता है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाता है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। ये सारा कौन सा है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। वाई दिस इज़ ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट? बिकॉज यहाँ पे लोअर पहाड़ियाँ होती हैं, ठीक है जी, इसीलिए ये सारा कुछ प्रॉब्लम आती है। डन बेटा, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे प्रेजेंटेशन सर राजस्थानी में था, में वेरी गुड, बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया बेटा। एक तरह ने बहुत अच्छी बात बोली है कि यहाँ पे अरावली हिल्स भी होती हैं, ठीक है जी। देखो यहाँ पे अरावली हिल्स हैं, बेसिकली दिस इज द अरावली हिल्स, इसीलिए यहाँ पे जो है वो थॉर फॉरेस्ट है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे थॉर फॉरेस्ट है, यहाँ पे हमारे पास डेजर्ट है, और इस तरफ हमारे पास दूसरी तरफ जो होएगा वो रेन शैडो एरिया के कारण क्या होएगा, बेसिकली मॉइस्ट फॉरेस्ट होएगा। दीज आर मॉइस्ट फॉरेस्ट, बेसिक, वेरी गुड एकता। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट थिंग इज बेसिकली व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोरा दैट इज फाउंड हियर। बेसिकली यहाँ पे आपको टीक मिलता है, टीक, साल, शीशम, हुरा, महुआ, आंवला, शिकाकाई जो होता है आप यूज़ करते हो, बैम्बू हो गया, सैंडलवुड हो गया, तो ये सारे फॉरेस्ट बेसिकली यहाँ पे ट्रीज पाए जाएंगे, या जितने रहते हैं इट्स ओके। बेसिकली एक जो फाउंडेशन स्पीसीज होती है वो ये वाली होती है, फ्लैगशिप स्पीसीज, सॉरी, इसको याद रखना होता है, इसको और इसको, सैंडलवुड को। बाकी अगर नहीं भी याद रहता इट्स ओके, इट्स नॉट दैट मच ऑफ ए प्रॉब्लम। मोटा मोटा दो तीन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कौन सा फॉरेस्ट आता है हमारे पास, वी गॉट ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस, ओके, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाउ वी गॉट नॉट डेसीडियस, आना इसके पास डेसीडियस चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया, ड्राई ट्रॉपिकल में कर दिया इसको कन्वर्ट। वी हैव गॉट ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी आज करेंगे। देखो एक वाइट बोर्ड में हम समझते हैं, ओके, सो लेट मी रिमूव देम, लेट मी रेज देम, ओके, सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट हियर इज टेक्स्ट, ओके, सो वी हैव लर्न की बाई ट्रॉपिकल, ठीक है, फॉरेस्ट दो तरह के होते हैं हमारे पास, आइदर दे आर एवरग्रीन, एवरग्रीन, ठीक है, और दे आर डेसीडियस, डेसीडियस, ओके। वी हैव टू गॉट टू टाइप ऑफ फॉरेस्ट। जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये फर्दर बेसिकली हैव मॉइस्ट और ड्राई, सिमिलरली डेसीडियस, ट्रॉपिकल डेसीडियस आर बोथ ड्राई, ट्रॉपिकल डेसीडियस आर बोथ मॉइस्ट एंड ड्राई, ठीक है। इन दिस पार्ट, इन दिस मॉइस्ट जो एरिया होता है, इसमें एक चीज और भी आती है, वो आती है वेट वाला एरिया, ओके, वेट। तो ये हम आज पढ़ के आए, देखो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल जिसको मेट और मॉइस्ट एक तरह ही बोला है हमने, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट अभी हमारा रहता था, ठीक है जी, ओके। हमने ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोला, ठीक है। तो एक ही, अगर मैं इतना सब कुछ करा रहा हूँ तो बेटा इसको समझो कि ये एक ही तरह के हैं, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, समझ गए, या ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन इज बेसिकली मॉइस्ट फॉरेस्ट, एंड ड्राई अगर बात कर रहा हूँ, ड्राई वाला रह गया था हमारा तो वो अभी हमने करना है। ट्रॉपिकल डेसीडियस में हमने मॉइस्ट पढ़ लिया, दैट इज़ यूजली फॉलोड बाय द ड्राई फॉरेस्ट, ओके।
जो ट्रॉपिकल हमारा ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये हमारा रह गया सिर्फ। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, नेट इशू के कारण बीच में ही रह जाता है लेक्चर, क्योंकि एक तो थोड़ा सा ना नेट का प्रॉब्लम हर किसी को आता है, लेकिन वी हैव टू मूव अहेड ऑफ दिस। ठीक है, कुछ अगर आप कर पाओ कि थोड़ा अच्छा, अगर 1.5 GB का अगर आप नेट पा पाओ 4G, दैट इज़ मच मोर बेटर। ओके, सो बेसिकली हमारे पास अभी जो रह गया है ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट रह गया हमारे पास। ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एक जगह में ही मिलता है हमें, और वो आपको रिमेंबर होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये UPSC में क्वेश्चन एक बार पूछा, क्योंकि हमेशा UPSC जो पूछती है वो पूछती है कि भाई कोई डिस्टिंक्ट जी चीज़ हो वो पूछती है। ठीक है, तो बेसिकली एनुअल रेनफॉल यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होएगी, मोस्टली इन द नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होएगी। तो ये वाला फॉरेस्ट हमारा कहाँ पाया जाएगा, किसी को पता हो, एनीबॉडी नो, नॉर्थ ईस्ट मानसून कहाँ पे आते हैं? आज मैंने आपको एक स्लाइड भी दिखाई थी, ये देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून कहाँ पे आएंगे हमारे पास, एक मिनट इसको बुक करने दो, यहाँ पे तो आएंगे आएंगे, बट यहाँ पे नहीं आते, ये एक ही जगह पे आते हैं, जो यहाँ पे साउथ इंडियन कोस्ट में आते हैं, दैट इज द तमिलनाडु कोस्ट। ओके ओके, तो नॉर्थ ईस्ट में सी वहाँ मानसून यहाँ पे आते हैं। तो जो तमिलनाडु है ना, बेसिकली इट गेट्स इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेनफॉल ऑफ द ईयर बेसिकली फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। ओके, नॉर्थ इन मानसून से इसके मैक्सिमम जो है वो प्रेसिपिटेशन फॉल होती है। ओके, सो बेसिकली वी हैव गॉट दिस, ये देखो, बेसिकली ऑल अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज यूजली प्रेजेंट। यूजली इसका टेम्परेचर 28 डिग्री होता है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है। द ग्रोथ ऑफ एवरग्रीन इन सच ए लो एरिया इज ए बिट स्ट्रेंज, इसीलिए UPSC यहाँ पे क्वेश्चन पूछती है आपसे। डन बेटा, क्यों, क्योंकि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट एक ऐसी जगह पे है, यूजली एवरग्रीन फॉरेस्ट इज 200 सेंटीमीटर और अबव रेनफॉल, बट दिस इज द क्या कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दैट हैज़ गॉट वेरी लो रेनफॉल। ओके, वेरी लो रेनफॉल, बट इवन देन कि इसका शॉर्ट सीजन बहुत कम होता है। ठीक है जी, इसके पास क्या होता है, इसके ट्रीज देखो क्या होंगे, शॉर्ट स्टैचर्ड ट्रीज होंगे। हम जब एवरग्रीन की बात करते हैं या एवरग्रीन की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो पेड़ है वो कम से कम 60 से भी ऊपर के होते हैं मोस्टली। ठीक है ना, बट यहाँ पे क्या है, शॉर्ट स्टेचर्ड ट्रीज है, अप टू 12 मीटर हाइट है, और कंप्लीट कैनोपी है। कंप्लीट कैनोपी इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट, इट इज बेसिकली द फीचर ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट का कंप्लीट कैनोपी होती है, ट्रीज हाइट होती है, बट इसकी ट्रीज की छोटी हाइट है, ओनली 12 मीटर इन हाइट। बैम्बूज एंड ग्रासेस नहीं होते हैं यहाँ पे, मैंने आपको बताया ऑलरेडी, आर नॉट कंस्पिकुअस। कौन से जहाँ पे पाए जाते हैं, जामुन टामारिंड नीम यहाँ पे आपको पाए जाएंगे। ठीक है जी, और क्या है, कैसोरीना प्लांटेशन के, ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैंने इसके बारे में पढ़ा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट पे जाके, तो दे हैव गिवन दिस एज ए सोल्यूशन टू अनदर प्रॉब्लम, अनदर इमर्जिंग प्रॉब्लम, वो हम पढ़ेंगे आज के आगे। मोस्ट ऑफ द लैंड अंडर दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। तो पहले यहाँ पे जामुन के दरख्त होते थे, तामारिंद के दरख्त होते थे, और नीम के दरख्त हो गए थे, बट क्योंकि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो कौन सी वुड होगी यहाँ पे, हार्डवुड फॉरेस्ट होगा। हार्डवुड मोस्टली किसके लिए यूज़ होती है, आपके घर में जो फर्नीचर बनाने में, और इसका बहुत यूज़ होता है, तो इसलिए मोस्टली क्लियर कर दिए गए हैं। ठीक है, इसकी जगह आजकल कौन सी यहाँ पे जाके प्रेजेंट, यहाँ पे कौन सी ज़्यादा प्लांटेशन हो रही है, दिस इज प्लांटेशन, कैसोरीना प्लांटेशन। ठीक है जी, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इसका रोल है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वेबसाइट पर मैंने देखा था। Let me give you an idea about this. So basically, Casuarina plantation, ये कैसे होते हैं, कॉनीफर की तरह को दिखते हैं। ठीक है, basically they are rapidly growing. ठीक है, अगर इस बार लगाओगे तो आपके दो साल में तीन साल में ये अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देंगे। केयर फ्री स्पीसीज है, एक बार लगा दी तो ये नहीं कि आपको बार बार पानी देना पड़ेगा, बहुत केयर करनी पड़ेगी, तो इट इज़ ए काइंड ऑफ केयर फ्री स्पीसीज, and it is able to grow in various kind of climates as well. ठीक है जी, तो दूसरी तीसरी बात है, it has ability to fix nitrogen. हमारी जो mostly soils होती हैं, the Indian soils are basically deficient in nitrogen, phosphorus and potassium, NPK. तो यही हम fertilizer बहुत excessively use करते हैं, तो
नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा हेल्प फिक्स करने में भी ये हेल्प करती है, ठीक है, दैट इज़ वाई ये सेल्फ सस्टेनिंग होती है, ये अपने आप एक बार आपने उगा दिया द फॉरेस्ट विल बिकम सेल्फ सस्टेनिंग। डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो किया जा रहा है ये वाला फॉरेस्ट, कैसोरीना फॉरेस्ट, ठीक है। इट इज़ बेसिकली बिकमिंग अ गुड फार्म फॉरेस्ट्री एरिया, और इस फार्म फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये तीन चीज़ों पे आप करेंगे काम इसके बाद, ठीक है जी। ये क्या होते हैं बेसिकली, आपको टिम्बर के लिए भी यूज़ करते हैं इसको, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, और बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट और क्या आता है, इट आल्सो रिड्यूसेस द डैमेज ऑफ इवन नेचुरल क्लैमिटीज। तो मोस्टली ये जो ये फॉरेस्ट है बेसिकली ये कहाँ पाया जाता है, ये देखो एक बार मैं कर रहा हूँ हाईलाइट, दिख रहा है बेटा, यहीं पे ये पाया जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा भी होगा मैंने ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये देखो, लेट मी शो इन अनदर रेड, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन, दिख रहा है बेटा, ये सिर्फ यहाँ पे पाया जाता है, यहाँ पे इतने एरिया में, ओके। बेसिकली यहाँ पे कुछ एरियाज हैं, लोअर एरियाज यहाँ पे हैं, लोअर एरियाज यहाँ पे हैं, ये देखो, ठीक है, बट मोस्टली इट इज़ इन द जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मानसूनस की बारिश होती है, और उसके कारण यहाँ पे कौन सा होता है, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे आजकल क्योंकि ये कोस्टल एरियाज है, ये देखो ये सारे कोस्टल एरियाज में होते हैं, तो कोस्टल एरियाज में विंड इरोशन, याद कर रखना, विंड इरोशन इज मेजर फैक्टर, ठीक है, वहाँ पे सॉइल इरोशन में मेजर फैक्टर एलोलियन फिलोशन फॉलेज के कारण होती है, ठीक है, तो वहाँ पे विंड इरोजन इज़ द मेजर फैक्टर। विंड बहुत आती है, बहुत सारी मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, तो उसके ब्रेक करने के लिए। दूसरा क्या है, यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं, जैसे साइक्लोन अम्फान आया था यहाँ पे, ठीक है, तो उसके वो भी उसकी स्पीड को भी कम करने के लिए दरख्त यूज़ करते हैं हम, कौन सा ये कैसोरीना, कौन सा नाम लिखा हमने, कैसोरीना प्लांटेशन। तो नेचुरल कैलेमिटीज़ को प्रिवेंट करने में इसका बेनिफिट रोल है। लाइन प्लांटिंग ऑन कोस्टल एरिया हेल्प इन कंट्रोलिंग विंड फोर्स और विंड इरोजन, विंड इरोजन के कारण जो हमारी धरती जो उपजाऊ से ख़राब हो जाती है उसको प्रिवेंट करने में ये करती है। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, और ये देखो ये मैंने वहाँ से उठाया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड वेबसाइट की, इट इज़ सुटेबल प्लांट्स फॉर वेस्टलैंड डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ इट्स अडैप्टेड टू वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स, फास्ट ग्रोइंग, साल्ट टॉलरेंट, ड्रॉट रेजिस्टेंट, ability to reclaim land and stabilize sand dunes। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ और ये हमारे पंजाब के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पंजाब का अगर आप लोअर हिस्सा देखते हो, ठीक है ना, तो लोअर पंजाब इज़ बेसिकली आप ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, एंड अगर थोड़ा सा एरिया हम देखेंगे तो राजस्थान का जो फॉरेस्ट है हमारे को, राजस्थान का जो हमारा डेजर्ट है वो टच हो रहा है यहाँ के निचले रेतीला इलाकों में पंजाब के, ठीक है, तो बेसिकली ये एक्सपेंड कर रहा है थोड़ा सा, जो हमारा सैंड है डेजर्ट है वो एक्सपेंड कर रहा है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, ताकि ये सॉइल इरोजन ना कर पाए, विंड इरोजन ना कर पाए, तो वी कैन स्टार्ट हैविंग दिस प्लांट प्लांटेड अलोंग द बॉर्डर्स ऑफ पंजाब, लोअर बॉर्डर्स ऑफ पंजाब, ताकि वहाँ पे सैंड जो है वो यहाँ पे आके धरती खराब ना करे, ठीक है, डन बेटा, लग गई समझ, ओके, शुड वी मूव एड, लग गया इसका क्या फ़ायदा है, लिख के बताओ बेटा, जल्दी जल्दी सो मचाना, लिख के बताना, इज इट इंटरेस्टिंग, थोड़ा ऐसा इंटरेस्ट लग रहा है, इतना बड़ा नहीं है कुछ, लेकिन ये अच्छे है ये, क्योंकि ये ऐसे करके प्लांट्स होते हैं, देखो फोटो भी दिखा रहा है, हाँ ये देखो, बेसिकली इनका तना बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होता, ये डेंस फॉलीएज के कारण होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलीएज होती है और ये विंड ब्रेकर एक्ट करते हैं, ठीक है जी, तो दिस इज़ द रीज़न, ओके, वी हैव डन, ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फॉरेस्ट, वी हैव डन ड्राई ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ओके, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, नाउ वी शुड मूव टू ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस, जो वैसे मॉइस्ट के बाद आना था डेसीडियस, पर हमने बीच में क्या डाल दिया, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ओके, तो ड्राई मीन द रीजन विल हैव अराउंड इतनी बारिश 70 to 100 centimeters, ठीक है, ये लेस है किससे, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस से, ठीक है, दे आर बेसिकली सिमिलर टू मॉइस्ट डेसीडियस फॉरेस्ट, द ओनली डिफरेंस इज दैट ड्राई डेसीडियस कैन ग्रो इवन इन लेस रेनफॉल,
ये लेस रेनफॉल में भी ग्रो कर सकते हैं, 70 से 100 सेंटीमीटर भी जहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे ये फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात जो सबसे बात इंपॉर्टेंट है, द फॉरेस्ट अपीयर लाइक ए वास्ट ग्रासलैंड्स विद नेक ट्री लाइन ड्यूरिंग ड्राई सीजन। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं आपको बोलूँ ड्राई डेसीडियस, ड्राई और मॉइस्ट डेसीडियस को हमने कंपेयर करना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन के साथ, तो हमने एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे ग्रासेस आएंगे, यहाँ पे ग्रासेस नहीं आएंगे, यहाँ पे श्रब्स आएंगे, यहाँ पे श्रब्स नहीं आएंगे। गगनदीप स्लाइड हैज स्लाइड शो हो रही है आपको, इज इट ओके? ओके बेटा, मैं वेट कर लेता हूँ, अपलोड हो गया अभी, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, इज इट ओके?